जुग जुग जियो के कलेक्शंस मरने लगे हैं, यानी कि खत्म होने लगे हैं। रीजन ये है कि फिल्म वीकडेज में आ चुकी है, पब्लिक इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। एक चीज तो मैं खुद समझ चुका हूं, प्री कोविड और पोस्ट कोविड में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, स्पेशली बॉलीवुड फिल्मों में। यही नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड फिल्में, साउथ की भी ऐसी कई फिल्में हैं जो मैंने देखा जो औंधे मुंह गिरी है बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि ऑडियंस का जो टेस्ट है फिल्मों को लेकर वो बदला है। अब ऑडियंस ये तय करती है कि कौन सी फिल्म हमें थिएटर में देखनी है, कौन सी फिल्म हमें ओटीटी पे देखनी है, कौन सी फिल्म हमें टीवी पर देखनी है और कौन सी फिल्म हमें देखनी ही नहीं है। ऐसे में जुग जुग जियो का जो मंडे था वो बहुत ही धराशाही था। कलेक्शंस औंधे मुंह गिरे और 4.82 करोड़ तक का बीसी कलेक्शंस आया और चार दिन का टोटल हुआ 41.75 करोड़। ये ऑफिशियल फिगर है। कल का कलेक्शंस के आंकड़े जो पता चल रहे ट्रेड के वो 4.25 करोड़, साढ़े चार करोड़ के, सवा चार करोड़ के आसपास पता चल रहे 4.25 करोड़। यानी कि इन शॉर्ट जो कलेक्शंस अपडेट आएंगे फिफ्थ डे के वो कुल मिलाकर होंगे 46 करोड़ के आसपास, 46 करोड़ या उससे थोड़े से ऊपर। बस मेरा प्रेडिक्शन जो सिक्स डे का है वो 3.5 से 4.5 करोड़ तक का है, यानी कि 3.50 करोड़ तो 4.50 करोड़। अगर ये रेंज में कलेक्शंस आता है तो टोटल होगा 49.50 करोड़ से 50.50 करोड़ के रेंज में। यानी कि आज हर हाल में ये फिल्म 50 करोड़ पार करने वाली है और इसका जो सेवंथ डे है अगर उसको भी हम सीधा सीधा मिला ले तो ये कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा 53 से 54, यानी 53 से 54 करोड़ तक ही आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन है। अगर सेकेंड वीकेंड में फिल्म उठी नहीं तो फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होगी, और अगर सेकेंड वीकेंड में फिल्म उठी तो ये फिल्म किसी भी हद तक मुझे ऐसा लगता है 75 करोड़ तक का लाइफ टाइम तक जा सकती है, 70 से 75 करोड़ के रेंज में। अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, कल परसों तक क्लियर हो जाए चीजें कैसी है, क्योंकि कोई नई और बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। एक साउथ की फिल्म है रॉकेटरी जिसे मैं देखने के काफी इच्छुक हूं, एक हिंदी फिल्म ओम, लेकिन ओम के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, सो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं फिलहाल। लेकिन ये कह सकता हूं कि जुग जुग जियो के पास ऑडियंस रहेगी सेकेंड वीकेंड में और थोड़ा बहुत इस फिल्म को थोड़ा थोड़ा कलेक्शन से दिलासा जरूर मिलेगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है डे सिक्स का जरूर बताएगा। मेरा है 3.5 से 4.5 करोड़। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।